बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है CUET के एग्ज़ाम के सिनेरियो में। मतलब लिटरली ये थोड़ा एक्सपेक्टेड नहीं था, अभी रिसेंटली जो हुआ है ये हुआ है आपकी CUET एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर, और ये बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें और थोड़ा सीरियसली लो, जो भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुन के डरना मत। आपके लिए तुम्हारा भाई बैठा है, सारी चीज़ों का प्रबंध करेगा, डोंट वरी, बट ध्यान से सुनो, ओके, बी अटेंटिव। देखो, CUET की रिसेंटली जो मॉक टेस्ट रिलीज़ हुई थी, अभी NTA ने जो 2 दिन पहले करा था बट उसे उड़ा लिया। अभी जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी तक मतलब 26 तारीख है आज और रात के 11:30 बज रहा है, अभी तक NTA की मॉक टेस्ट उड़ी हुई है, बट आई ज़रूर थी। जिसने देखा है उन्होंने देख लिया है, तुम्हारे भैया ने भी देख लिया है, डोंट वरी, ओके। बट फिर वो चली गई और फिर आएगी, ठीक है। अब जब ये कल वीडियो पोस्ट होगा, अभी बना रहा हूँ मैं, कल सुबह आएगा, हो सकता है तब तक आप एक्सेस कर पाओ। लेकिन एक बात का ध्यान देना, जो बच्चों ने पहली बार NTA ने जब मॉक टेस्ट रिलीज़ किया था उस मॉक टेस्ट से इस मॉक टेस्ट को अगर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा लेवल में डिफरेंस है। मतलब क्वेश्चन के लेवल को चेंज कर दिया गया है। अब आप बोलोगे ये तो सरासर हमारे लिए धोखा है क्योंकि पहले तो हमें इजी क्वेश्चन दिखाया गया, अब ऐसा क्वेश्चन। अब आप किसी को ऐसे क्लेम नहीं कर सकते हो कि ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन हार्ड है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है भैया, ये डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन में। ऑब्वियस सी बात है, जिस एग्जाम में 1,00,000 से भी ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, इन्होंने डेट्स एक्सटेंड कर किए जा रहे हैं, बच्चे आए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उस एग्जाम की लेवल इंक्रीज करेगी, तो क्वेश्चन की जो लेवल है वो भी बढ़ेगी। नहीं तो फिर कट ऑफ को बचाने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो क्वेश्चन बहुत इजी रख दो, सारे बच्चे अच्छे अच्छे नंबर ले आए एंड कट ऑफ बहुत ऊपर चले जाए, एंड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का सेट करो, ठीक है ना, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड के बीच में, ठीक है ना, ये जो मॉडरेट वाला सिचुएशन है ना उसको पकड़ के चलो, उस लेवल का टफ है क्वेश्चन, एकदम हार्ड वाला भी नहीं, डोंट वरी, IIT JEE वाला काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मॉडरेट तो पूरा पूरी मॉडरेट में है क्वेश्चन, ओके। तो अगर ऐसे रखा जाए तो होगा क्या कि बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं होगा कि ईजिली टॉप स्कोर मारेंगे, ऐसा नहीं होगा। इससे क्या होगा, कट ऑफ पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो किसी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये चीज़ किया गया। अभी मैं आपसे थोड़ा डीप में बात करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ कि कैसा है नहीं है सारी चीज़ें, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, CUET एग्जाम आप अच्छे से क्रैक कर सको, जैसे भी क्वेश्चन आए किसी भी प्रकार की आप उसे क्रैक कर जाओ, उस चीज़ के लिए आपके पास दिशा पब्लिकेशन लेके आई है अपनी गो टू गाइड स्पेशली CUET के लिए बुक। ये मेरे पास 2 बुक है CUET के लिए स्पेशली दिशा पब्लिकेशन द्वारा, एक है जनरल टेस्ट की एंड दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इनकी और भी बुक्स आती है, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इनकी और भी बहुत सारी बुक्स है जो स्पेशली CUET के लिए। मैं इन बुक्स की थोड़ी हाइलाइट्स बता दूं आपको, जैसे कि मेरे सामने इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश की बुक के ठीक सामने ऊपर आपको पूरी की पूरी चीजें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी, NCERT बेस्ड MCQs, जो NCERT बेस्ड है, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन लेटेस्ट NCERT सिलेबस एज वेल एज NTA पैटर्न। उसके बाद आपको यहां मिल जाएगी 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो CU SET वगैरह एग्जाम हुई थी उनकी, आपको पिछले साल की पुरानी क्वेश्चन मिल जाएगी, एंड 10 practice sets ऑन 50 MCQs पैटर्न, ये सारी चीजें मिल जाएगी। एंड बात करूं मैं जनरल टेस्ट वाली बुक की भी, उसमें भी आपको सेम चीजें ऑलमोस्ट देखने को मिलेगी, सारी पैटर्न सब कुछ मिलेगी। इसमें भी आपको लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह मिलेगी, इंग्लिश वाली जो बुक है इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एवरीथिंग मिलेगा। इसमें भी आपको 10 practice sets ऑन 75 MCQ पैटर्न में देखने को मिलेगा जनरल टेस्ट वाले में। तो ये दोनों ही बुक काफ़ी बढ़िया है CUET के लिए। इसके पहले भी मैंने इस बुक को रिकमेंड करा है आप सभी को, और आप में से काफ़ी सारे बच्चे दोबारा पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर बताइए कौन सा बुक लिया जाए, दैट इज़ वाई मैं आप लोगों को ये बुक फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ। जिन्हें नहीं पता है, दिशा पब्लिकेशन की ये बुक है, अगर आपको लेनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करो, आपको बेस्ट बाइंग लिंक्स मिल जाएगा, बेस्ट बाइंग प्राइजेस मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा वहाँ से इस बुक को परचेस कर सकते हो। एंड इस बुक को परचेस करो, अपनी प्रिपरेशन करो, इसमें एवरीथिंग जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं सब कुछ दे रखी है, आपकी CUET इस बुक से ऑलमोस्ट हो जाएगी, ओके। अब थोड़ा क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्रैकेबल है या नहीं। देखो, क्वेश्चन को जिन भी बच्चों ने देखा है वो तो कंपेयर कर पा रहे हैं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है पिछले वाली से, बट जिन बच्चों ने अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे ये इजी है या हार्ड है। उनके लिए ये एक बेसिक लेवल होगा जो उनको फील होगा। अगर आपने नहीं देखा है क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया बात, ये वही बात है, अगर तुमने उस चीज को नहीं देखी है तो तुम बहुत लकी हो, आज वो सिचुएशन है तुम्हारे लिए। जिन बच्चों ने देखा है लास्ट क्वेश्चन को वो थोड़ा सा अपने आप को लेकर डर गए हैं कि पता नहीं ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं, बाकी क्वेश्चन मॉडरेट है, ठीक है, थोड़ी सी लेवल को बढ़ाई गई है जो कि अच्छी बात है, नहीं तो कट ऑफ पे बहुत गंदा असर पड़ता, ठीक है।
काफ़ी सारे कॉलेज के कंपटीशन वैसे ही रहते फिर जैसे डीयू के पिछले साल होते थे। दैट इज़ वाई एक डिसीजन सही है। और अगर आप उस तरीके के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, देखो बात यह है ना कि कल मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ, छोटा सा बहुत इंटरेस्टिंग है। कल मैं अपनी क्लास ले रहा था, फ्री क्लास जो कि मैं लूंगा, आज भी लूंगा जो क्लास, जिसकी लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाओ। तो वहाँ पर 200-300 बच्चे थे, उसमें से मैक्सिमम बच्चों ने क्लास लेते वक्त मुझे ये सजेस्ट करा कि भैया आप ये चीज़ हमें यूट्यूब पर क्यों नहीं पढ़ाते फ्री में। मैंने कहा फ्री में तो यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, वो बोलते नहीं यूट्यूब पर पढ़ाओ। मैंने बोला ठीक है यूट्यूब पर पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी तो अचानक मेरा ऐसा प्लान नहीं है। बट वो बोले मुझे कि आप अगर ये क्लासेस यूट्यूब में इस तरीके से पढ़ाओगे, जिस तरीके से आप पढ़ाते हो, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपको पढ़ना कैसे है वो बताता हूँ, जो बच्चे अटेंड किए होंगे मेरा क्लास उन्हें पता होगा। तो उस तरीके की टिप्स, उस तरीके की चीज़ें आप हमें दो यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा है कि मेरी जो दूसरी चैनल है अनटोल्ड मैक अनफिल्टर्ड, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो, उस चैनल को थोड़ा ग्रो कराते हो, तो उसमें आने वाले दो दिनों में, हो सकता है कल परसों से ही, मैं उसमें छोटे छोटे 10-15 मिनट के लेक्चर्स डालूं। ज़्यादा मोटा हैवी सेटअप नहीं है मेरा, छोटा सा सेटअप है, उस सेटअप में ही आपको पढ़ाऊँ। एक बोर्ड लगा रखी है सस्ती सी, 500-600 रुपये की, मार्कर है, कैमरा है, फोन है, उससे वीडियो बना लेंगे, शूट कर देंगे, कोई डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है। 10-20 एम्प्लॉय नहीं है मेरे पास, एक रखा था इससे पहले बट वो उसने बिट्रे कर दिया, चलो कोई बात नहीं, बात अलग थी, सीन अलग था, ठीक है। बट अब अकेले है अपन, अकेले अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे बिना किसी हेट के, तो मैं आपके लिए क्लासेस ला सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, 10-15 मिनट की लेक्चर डाल सकता हूँ जिसमें आप भी बोर ना हो, एक एक घंटे भर चिल्लाऊंगा नहीं, आपको टिप्स दे सकता हूँ, सब्जेक्ट्स वाइज टॉपिक वाइज आपको थोड़ा समझा सकता हूँ, जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स को आपको समझा सकता हूँ, 10-15 मिनट के एक चैप्टर्स बना सकता हूँ। तो अगर आप ये चीज़ चाहते हो तो प्लीज़ थोड़ा उस चैनल को सपोर्ट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हेट मत फैलाओ, कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोग को टॉप ना करा पाऊँ लेकिन थोड़ा मदद तो ज़रूर कर दूंगा एज अ बड़ा भैया आपका। ओके ठीक है, थैंक यू। नीचे कमेंट में भी वो चैनल की लिंक पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी है, जाओ जाके अनटोल्ड मैगन फिल्टर्ड को दो बिना किसी हेट एंड ऑल। नहीं सब्सक्राइब करना है मत सब्सक्राइब करो, लेकिन जब वीडियो आए देख लेना, पसंद आए ठीक है, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सपोर्ट कर लो इनिशियल डेज में, तभी जाके हम साथ में मिलकर ग्रो कर पाएंगे। ओके और इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही, बाकी जो भी क्वेश्चन आती है डोंट वरी, आप वो क्रैक कर लोगे, तुम्हारा भैया है तुम्हारे साथ, फ्री क्लासेस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराने को। थैंक यू सो मच इन दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, घबराओ मत, तुम एग्जाम जरूर क्रैक करोगे। तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, लव यू, टाटा।